हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है डेप्रिसिएशन, टी एस क्रेवल की बुक से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज हम जो एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 9, इसमें हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। इसमें मैं आपको एक स्टेप्स फॉलो कराऊंगी। और ये जो एग्जांपल नंबर 9 है और जो एग्जांपल नंबर 10 होगा, दोनों ही एग्जांपल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी में से ही आपका, इसी टाइप से ही क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो इसमें आप स्टेप फॉलो करोगे, जैसे 1 2 जैसे मैं सिखाऊंगी, तो वो स्टेप अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट आंसर्स आएगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। फॉलोइंग बैलेंसेज आर इन द बुक्स ऑफ मैसेस नवीन ब्रदर्स। इसकी बुक्स में आपको बैलेंस दिए हुए हैं। डेट आपको दी हुई है 1 अप्रैल 2023 की मशीनरी का, और प्रोविजन का बैलेंस दिया है। नीचे इन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल 2023 को एक मशीनरी आपने सोल्ड कर दी 2 लाख रुपीज़ की, विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 3 लाख। मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2024 तक। फर्म हैज़ बीन चार्ज डेप्रिसिएशन 10% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखो, हमें मशीनरी अकाउंट हमने बना लिया स्ट्रक्चर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया, हमें इसमें बैलेंस दिए हुए थे। देखो, मशीनरी का जो जब बैलेंस दिया होता है, बैलेंस का मतलब होता है कि आपने पहले कभी खरीदी थी तो उसका बैलेंस आपको ओरिजिनल कॉस्ट से दिया हो। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट साथ में होता है ना, बैलेंस दिया होता है, तो इट मीन्स जो आपको बैलेंस दिया वो इतने की ही आपने खरीदी थी, इसमें से कोई भी डिप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ हुआ है, इतने में आपको ओरिजिनल कॉस्ट दिया है। तो आपको बैलेंस, मशीनरी का बैलेंस डेबिट होता है, और प्रोविजन जो डेप्रिसिएशन होता है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्योंकि ये क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसलिए हमने बाय बैलेंस बीडी लिख दिया और इधर टू बैलेंस बीडी लिख दिया। अब सबसे पहले स्टेप में आपको नंबर लिखवाती हूँ ताकि आपको याद है। मैं नोट डाउन कराऊंगी, लेकिन आपको कैसे याद रखना है, कैसे स्टेप याद रखने हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओके, सबसे पहला स्टेप होगा यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ, स्टेप 1 यहाँ पे होगा, स्टेप 2 यहाँ पर, स्टेप 3 यहाँ पर, स्टेप 4। आपको टोटल 4 स्टेप फॉलो करने हैं आंसर्स निकालने के लिए। मतलब जो मशीनरी आपने सेल करी है ना, उसका प्रॉफिट या लॉस अगर आपको पूछेगा तो उसको कितने स्टेप फॉलो करने हैं, 1 2 3 4। ओके, ऐसे याद रखोगे तो आपका देखो कैसे होगा। नंबर 1 स्टेप सबसे पहले क्या है, नंबर 1 स्टेप, इस स्टेप में जब आपको बैलेंस दिया होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट डाउन भी करा रही हूँ, नंबर 1 स्टेप 1, स्टेप 1 में आपको क्या करने हैं, डिवाइड करना है इन पार्ट्स। ये आप नोट डाउन कर लो, कोई भी किसी भी इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है। कौन से वाले में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, जब आपको स्ट्रेट, और एग्जाम में 99% जो क्वेश्चन आता है आपके 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन मेथड से ही आता है। आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और मशीनरी अकाउंट बनाना है। जब आपको बैलेंस दिए हो, स्टेप 1 में डिवाइड इन पार्ट्स, डिवाइड इन पार्ट्स का मतलब क्या है, ये आपको बैलेंस दिया है, इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 1 और नंबर 2 बना देना है, इसमें पार्ट्स में डिवाइड कर देना है इसको, किसमें, जौन सी मशीनरी आपने बेची है ना उसका टोटल कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने उसको खरीदी थी, उसको कितने में खरीदी थी, 1 अप्रैल 2020 में जो खरीदी थी वो कितने की है, 3 लाख रुपीज़ की। ये आपकी ओरिजिनलिटी टोटल मशीनरीज है, मतलब आपका जो है ये ग्रुप ऑफ मशीनरीज है, एक मशीनरी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इसमें से जो आपने बेची है ना उसका कॉस्ट प्राइस आपको अलग कर देना है, कितने में खरीदी थी वो, 3 लाख। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 8 लाख को डिवाइड कर दिया हमने 3 लाख में, और इसको ऐसे 3 लाख, और दूसरा क्या हो जाएगा नेचुरली 5 लाख। ये स्टेप 1 हो गया, डिवाइड इन पार्ट्स। ओके, नंबर 2, स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे, पहले उसका क्या, टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल तक, डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक। डेट ऑफ परचेज की डेट क्या है, 1 अप्रैल 2020,
2020, यहाँ पे आप करोगे परचेज से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे सेल पे एंड कर दोगे। सेल की डेट क्या है, सेम 1 अप्रैल 2023। यहाँ पे परचेज की और यहाँ पर सेल की, ये हमारा स्टेप टू होगा। तो हमको टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करके उसका डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सेशन देखो, ये 1 अप्रैल 20 से शुरू हुआ होगा, ये सेशन खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2021। फिर ये वाला सेशन कब स्टार्ट हो जाएगा, 2021 पे 31 मार्च 2022 पे खत्म हो जाएगा। फिर ये 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2023 पे 31 मार्च को ही खत्म हो जाएगा, बट ये नेक्स्ट डे ही स्टार्ट हो जाएगा, 23 पे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है इन दोनों के टाइम गैप का, ये अप्रैल से स्टार्ट हुआ मार्च पे खत्म हुआ, तो ये पूरा कितना हो गया इसका, 1 ईयर हो गया। फिर ये अप्रैल से स्टार्ट हुआ मार्च पे खत्म हो गया, ये भी कितना हो गया, 1 ईयर हो गया। ये भी अप्रैल से स्टार्ट हुआ अप्रैल पे ही खत्म हो गया, तो ये कितना हो गया, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ, 3 ईयर्स। यही वाला मेन पॉइंट होता है, टोटल टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट कैसे करना है, यही आपका सेशन बनाना होता है। ये सबसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज है, जो एग्जांपल नंबर 10 होगा ये तो बिल्कुल इजी था, सीधा सीधा था, उसमें जब बीच की डेट आ जाती है तब थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, वो बिल्कुल ईजी होता है। ऐसे स्टेप कॉलम बनाओगे आपको बिल्कुल ईजी से आ जाएगा। 3 ईयर्स हो गया, तो आप क्या करोगे, पहले पूरे 1 साल का निकाल लो, ओरिजिनल कॉस्ट है कितने में खरीदी थी, इसके ऊपर लगाओगे 3 लाख। तो 3 लाख के ऊपर कितने परसेंट है, 10%। 1 साल का पहले अलग निकाल लो, कितना हो गया, 30,000 हो गया। कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 30,000। तो ये 1 ईयर का हो गया, ये भी कितना हो गया, 30,000। 1 ईयर का, ये भी 30,000 और ये भी 30,000। टोटल कितना हो गया, 90,000। टोटल डेप्रिसिएशन स्टेप टू में हमें क्या निकालना है, टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल तक, ऐसे सेशन बना के बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 90,000। तो बस यहाँ पे हम डाल देंगे पहले 90,000। मैंने अभी पहले भी क्वेश्चंस कराए थे, जब मशीनरी सेल होती है, अभी लास्ट क्वेश्चन भी जब हमने एग्जांपल नंबर 6 किया था, तो उसमें भी जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा होता है या फिर जब नहीं भी बन रहा होता है, तो हम 3 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करते हैं। नंबर 1, अब यहाँ पे तो नंबर 2 ऐसे ही है, और नंबर 3 यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय, ये कंपल्सरी पॉइंट होता है, बाय बैंक अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर बन रहा है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड थर्ड वर्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये स्टेप टू बीच वाला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। हमें कितने स्टेप फॉलो करने थे, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पे जितना भी आपके नंबर 1 से लेके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, चारों स्टेप में कौन सी डेट डलेगी, डेट ऑफ सेल वाली, कौन सी डेट डलेगी, डेट ऑफ सेल वाली। तो सब में डेट सेम आएगी, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2023 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल। स्टेप 3 में भी पहले डेट डाल दो, 1 अप्रैल 2023। स्टेप 4 में भी ये तो डली ही हुई है, ठीक है। अब स्टेप 1 में हमने क्या लिखा, डिवाइड इन पार्ट्स। स्टेप 2 में हमने क्या किया, टोटल डेप्रिसिएशन। अब आती है स्टेप 3 की बारी, स्टेप 3 में ये भी नोट डाउन कर लो यहाँ पर, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, क्रॉस ट्रांसफरिंग ऑफ स्टेप 2। जो स्टेप 2 किया था उसकी आपको क्या करनी है, क्रॉस ट्रांसफरिंग। स्टेप 2 ये है ना, क्रॉस ट्रांसफरिंग का मतलब क्या होता है, राइट है तो लेफ्ट में आ जाएगा। बस इसको जितना भी ऐसे, यहाँ पे आपने मशीनरी अकाउंट में क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको इस अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफरिंग कर दोगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। ये हो गई क्रॉस ट्रांसफरिंग, ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में आपको क्या करना है,
करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो आपने सेकंड स्टेप में आपने ऐसे सेशन बनाए थे, जो लास्ट वाला सेशन होगा, कौन सा सेशन होगा, लास्ट वाला सेशन, लास्ट वाले सेशन में, ये स्टेप फोर है, यहां पर आप क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या होता है ये, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, मतलब जो लास्ट सेशन होगा उसमें अगर कितने दिन, डेज का या फिर मंथ का अगर गैप है तो उतने मंथ का आप डेप्रिसिएशन डाल दोगे। बट ये क्या है, ये 22 था, ठीक है, ये 22 और ये भी क्या हो गया, 22 हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, ये फर्स्ट अप्रैल 22 है, मैंने यहाँ पे 23 डाल रखे, 22 ही आएगा, ये भी फर्स्ट अप्रैल 2022 है, ये भी फर्स्ट अप्रैल 2022 है, बट कोई भी मंथ का गैप नहीं है, सेम डेट हो गई ना, ये भी 22, ये भी 22, क्लियर हो गया कि आपने क्या करा है, सेल की डेट क्या है, फर्स्ट अप्रैल 22 है, ओके, यहाँ पर 21, 21, 22, 22, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी गैप नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जीरो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जीरो। ये तो हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, टोटल 4 स्टेप्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाली सीक्वेंस पूरी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर बाय बैंक है, जितना बैंक है, सेल वैल्यू कितनी है, 2 लाख, तो आप यहां पर सेल वैल्यू डाल दो 2 लाख की, क्लियर है, ओके, यहां पर क्या आ जाएगा, सेल वैल्यू 2 लाख आ जाएगी। अब हमें जो आपने पार्ट्स करे थे ना, यहां पर ये 3 लाख है और ये भी 3 लाख है, ये वाला, इन दोनों का टोटल, दोनों का आपको क्या करना है, मैच करना है, 3 लाख है और इधर भी क्या होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए, बट इधर क्या हो रहा है, 2,90,000 हो रहा है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 10,000, तो ये क्या होता है, लॉस होता है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरी लिखने में, यहाँ फर्स्ट अप्रैल 2021 की जगह ना, ये इन्होंने जो किया था ना, 20 है और ये 20 सही तो लग रहा है बिल्कुल, आपको ये समझ आ गया पूरे स्टेप्स आपको फॉलो करके। बस अब लास्ट में आपको क्या करना है, सीडी आपको निकाल देना है, यहाँ पर ये टोटल हो गया। सीडी हमेशा मशीनरी अकाउंट में, कौन सा सीडी बचेगा, जो भी आपकी मशीनरी बच जाती है वही वाला ही क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 31 मार्च आ जाएगी और ये सीडी खत्म हो जाएगा 2024 में, यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, ये 5 लाख रुपीज का, यहाँ पर इसको बराबर कर दो, ये भी 8 लाख हो जाएगा और ये भी 8 लाख। अब देखो प्रॉफिट या लॉस निकालने में तो आपका क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट या फिर लॉस निकालेंगे उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका वो होगा हमारा, ये जो हम करेंगे, जो आपका ये वाला होगा, उसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपका जो भी बैलेंस बचेगा मशीनरी का, ये तो हमारा हो गया, यहाँ पर हमारी ये डेट ठीक थी, 2023 ही थी, ठीक है, 2023, इसको थोड़ा सा मैसी सा हो गया, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सीडी हो गया, जो मशीनरी बचेगी उसके ऊपर आपको लास्ट में स्टेप 5 फॉलो कर देना है, यहाँ पर ये वाला सेशन, जो सीडी होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2023 और 31 मार्च, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जोन सी मशीनरी बच गई इसके ऊपर इसी डेट से, कितना आ जाएगा, 10%, 50,000। बस अब इसका टोटल कर दोगे और यहाँ पर भी इसका क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी 2024 और 31 मार्च, इधर का टोटल कर देंगे, ये 50 और ये 320, तो 3,70,000, 370 में से ये माइनस कर दोगे तो 2,80,000 का आपका आ जाएगा सीधी। मेन आपके जो होते हैं स्टेप फोर होते हैं, उन स्टेप फोर को आपको पूरा फॉलो करना है, उससे आपका आंसर प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। बाद में तो लास्ट में जो आपका ये स्टेप फाइव है, इसको स्टेप फाइव का नाम दे दो, ये जो क्या है स्टेप फाइव, स्टेप फाइव में आपको क्या करना है, जो मशीनरीज बच जाती हैं, जैसे ये वाला पार्ट बच गया, हो सकता है कि नेक्स्ट भी कोई और खरीद ले, उन्हीं के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देना और वही सीडी आपका, इधर का टोटल करके इधर का माइनस करके सीडी आ जाएगा।